हाँ हाँ, शी इज उनका बेस्ड आवाज इन सेम है। अहमदाबाद. सैटेलाइट सैटेलाइट और शी इज अ नेचुरोपैथ डॉक्टर है, डाइट काउंसलर है, और वो बिलीव करती है स्ट्रॉन्गली कि खुराक खाना सही खाना ही एक बिल्कुल सही मेडिसिन है. तो मैं उनका वक्त ज्यादा नहीं लूंगी, हम जितना पा सके उनसे पाना चाहते हैं. तो ओवर टू यू मीता जी, वेलकम ऑन तारे शो. थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ यहाँ पे हो, और प्लीज हमें बताइए क्या क्या फायदा है और क्या करना चाहिए हमारे खुराक हेल्थ के लिए. जरूर। हम आप म्यूट हो गए हैं मिता जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. थैंक यू. यस या गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हो आप गुड आफ्टरनून. अच्छे हैं सब? अच्छे हैं सब? बराबर जी. है। और आप सब लोग क्या जानना चाहते हो मेरे पास से, ये आप सोच लेना। मैं तो बताऊंगी, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चन है, आप लास्ट 10 मिनट्स हम आपके जो भी है क्वेश्चन वो हम सॉल्व करेंगे, जितना हो सके उतना मैं अपना आपको 100% दूंगी, ठीक है? और फिर बाद में आप बोलना कैसा लगा आपको। अच्छा, आप लोग मुझे बोलेगी कि नेचुरोपैथी मतलब क्या है, किसी को मालूम है? कोई ने किसी ने ट्रीटमेंट करवाई है? मालूम है किसी को नेचुरोपैथी? अच्छा, आप सब लोग म्यूट हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप नेचुरल, को प्लीज. यस यस, नेचुरल प्रोसीजर्स ऑफ क्योरिंग द डिजीज और अपसेट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, एनी पार्ट्स, इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस. नेचुरल यू हैव टू तरीके। यूज हाँ, दी होम रेमेडी, इट्स काइंड ऑफ होम रेमेडीज. और कुछ मालूम है आपको? किसी ने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करवाई है किसी के पास, बाहर नेचुरोपैथी सेंटर में ऐसा कुछ कहीं पे? नहीं मालूम। अच्छा, अभी आज हमने नेचुरोपैथी का स्टार्ट किया है, तो मैं सबसे पहले आपको नेचुरोपैथी के बारे में बताऊंगी कि नेचुरोपैथी क्या है, और हम नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट घर पे भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? नेचुरोपैथी मतलब वही शब्द हमें दिखाई देता है कि नेचर जो हमारे आसपास दिखाई देता है। सबसे पहले तो सूर्य प्रकाश है, सबको मालूम है। फिर बाद में पानी आता है, मर थेरेपी आप सबको मालूम है, थोड़ा सा हवाएं मतलब वायु को भी पता है, और आकाश तत्व जैसे बोलते हैं वो भी आप सबको पता है। तो ये जो पांचवे तत्व है, और हमारे आसपास जो दिखाई देता है लाइव चीजें, मतलब के झाड़ पान पत्ता खोराक, ये सब चीज लाइव है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर की जो भी लाइव तत्व है इससे वो एक्टिव करता है। सिर्फ यही चीजें से हम अपना शरीर अच्छा बना सकता है, मतलब कि हेल्दी बना सकता है। सूर्य प्रकाश से हमें एनर्जी मिलती है, ये सबको मालूम है। मर थेरेपी मतलब पृथ्वी तत्व से हमारे बॉडी में बॉडी में जो मसल्स वगैरह सब बनता है वो इसी से बनता है। पानी भी हमारे बॉडी की जरूरियात है, मतलब कि पांच तत्व जो हमारे बॉडी के अंदर भी, यही पांच तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, सबको मालूम है। वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि तत्व, तो यही पांच तत्व अपने नेचर में भी है, और यही पांच तत्व अपने बॉडी में भी है। ये पांचों तत्वों का कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, तो इसी वजह से हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ तकलीफें आती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा तत्व कम हुआ है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है तभी हमें मालूम पड़ता है। हमें अपना खुराक, हम जो भी डाइट लेते हैं उसके लिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमारी प्रकृति के हिसाब से है या नहीं है। प्रकृति के हिसाब से अगर हमने कुछ गलत खाना खा लिया है तो हमारा शरीर हमेशा हमको बोलता है कि भाई आज तो पेट में गैस हो गई है, बहुत वायु हो गया, बहुत कमर दुख रहा है, मतलब कि कुछ गड़बड़ हमने आज खाना में किया, तभी ये सब गड़बड़े होती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर हमने जो भी खाना खाया, अभी खाना भी हम कैसे खाते हैं, अपने प्रकृति हिसाब से, अपने एज के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से हम अगर खाना खाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते सिर्फ बैठे रहते हैं, और फिर हम जो भी पहले खाते थे 10 साल पहले वही खाना अगर हम आज भी खाएंगे तो नेचर है कि वो खाना हजम नहीं होगा। हजम नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि इसी वजह से गैस,
एसिडिटी, वायु, वो सब बढ़ जाएगा, मतलब हमारा वायु तत्व बढ़ जाता है क्योंकि हमारा खाना हजम नहीं हुआ। और हजम क्यों नहीं होता है, हम बैठे रहते हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं क्योंकि हमारी एज क्या है, मतलब 60-70 का होता है, लेकिन हमें अपने एज के हिसाब से थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। जैसे कि हमें पानी पीने की ज़रूरत है, हम क्या करते हैं अपने बच्चों को या अपने बहू को बोलते हैं कि भाई पानी लाओ। हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने 1-2 घंटा बैठे हैं फिर उठ के अपने आप धीरे धीरे भी 2 मिनट के लिए हमें ऐसे आगे पीछे घूमना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेंगे तो हमारा बॉडी का जो पाँव में जो दर्द होता है वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन हम बैठे रहे तो हमारा खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होता तो फिर वायु होता है, एसिडिटी होती है, ये सब डिजीज उसी वजह से होती है। तो हमें नेचर थेरेपी क्या करता है, नेचर थेरेपी हमें ये सब चीज़ें देती है, आपको समझ देती है कि हमें कैसा खाना चाहिए। इससे हमें क्या सोचना चाहिए, सबसे पहले तो हम सुबह में जब उठते हैं तो क्या खाना खाते हैं, पानी पीते हैं नहीं पीते है? आप मुझे कोई बोल सकते हैं कि आप सुबह में उठ के सबसे पहले क्या खाना खाते हो? सबसे पहले पानी पीते हैं, सबसे पहले पाती वॉर्म वाटर या गर्म पानी, वॉर्म वाटर। कितना गर्म पानी पीते हो आप? वन ग्लास है या फिर ज्यादा गर्म है? नहीं, नॉर्मल गर्म है। उसमें लाइम और हनी मिला के पीते। नहीं, और क्यों आप लेमन और हनी मिला के पीते हो? वो बोलते हैं कि अच्छा रहता है। बोलते आपको लगा कि अच्छा रहता है? नहीं, आपके बॉडी ने कुछ आपको दिया इफेक्ट कि आपने लिया हनी मतलब कुछ आ गया कुछ ऐसा? नहीं, आपको नहीं पता वो नेचर। नहीं, क्लींजिंग है ना, क्लींजिंग। मेरे हस्बैंड पीते हैं, वो सुबह उठे ही सादा पानी पीते। हाँ, सादा पानी पीते 2 ग्लास। हाँ, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद में ये पीते वार्म वाटर, उसके बाद में आधा घंटे बाद ब्रेकफास्ट। अच्छा, ठीक। हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, अभी आज क्या है, अभी सभी जगह कोरोना का डर सबको है और जहाँ भी जाते हो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, विटामिन सी लेने से बढ़ेगी, सिर्फ ऐसे बढ़ती है? सब जहाँ भी जाओ सब बोलते ये डाइट खाओ आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ये उकाड़ा पियो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। क्या इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा सही है? मेरे ऐसे 2-3 पेशेंट हैं जिसने उकाड़ा 3-4 महीने लिया फिर भी उसको कोरोना हुआ, तो क्यों हुआ? ये एक एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो। हाँ, हवा में कुछ आ सकता है, हवा में कुछ रहता है। हाँ, वो जिसको कोरोना हुआ है उसकी एज मैं बोल दूं तो 55-60 है, इतनी भी पड़ी नहीं है, उसको कोई डिजीज नहीं है फिर भी उसको कोरोना हुआ है। मतलब ये सब डरने की चीज है कि अगर हमने लेमन लिया, अगर हमने विटामिन सी ज्यादा ले लिया या तो फिर हमने उकाड़ा ज्यादा ले लिया तो हमें कोरोना नहीं होगा। ये सब अपना अपना बिजनेस बढ़ा रहे और कुछ नहीं है। हम कभी भी हमें हमेशा ये चीज याद रखनी चाहिए। आज मेरे टॉपिक लिया है कैसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए, आज मेरा टॉपिक ये है। लास्ट 10 मिनट मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए भी दूंगी कि आपको कुछ भी हो पूछना है तो मैं दे दूंगी। तो इम्यूनिटी हम अपनी कैसे बढ़ाए, हमारे शरीर में क्या क्या चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। सब व्हाट्सएप वगैरह, सब यूट्यूब वगैरह में जो भी जहां भी अगर हम बाजार में जाते हैं ना तो बोलते हैं ये इम्यूनिटी मुखपास है, क्या इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? नहीं, जो भी हम खाना खाते वो हजम होता है कि नहीं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा खाना हमें हजम हुआ ना या नहीं हुआ? हमारा शरीर भी कुछ बोलता है, तो हमें हमेशा अपने शरीर के लिए शरीर की भाषा मतलब जो बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए। या पाँव में दर्द है या पेट में गड़बड़ है, कुछ भी हो खाना छोड़ देना चाहिए सबसे पहले। नेचुरोपैथी में क्या है, हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जो हमें हजम कर सके, और 2-3 घंटे तक अगर हजम नहीं होता
तो फिर ये सब छोटी मोटी चीजें हमारे शरीर में जाके गड़बड़ करती है। हमें सबसे पहला जानना चाहिए सुबह उठ के क्या लेते हैं। मैंने पहले बोला पानी, आप सब लोगों ने बोला हम क्यों वार्म वाटर पीते हैं। थोड़ा सा वार्म वाटर पी सकते हैं, ज्यादा नहीं। कोरोना का डर से वजह से बहुत सारे लोग बहुत गर्म पानी पी रहे हैं और पूरा दिन पी रहे हैं। ये गलती कभी भी मत करो, कभी भी नहीं करो, क्योंकि गर्म पानी अगर हम ज्यादा पिएंगे तो हमारे स्टमक में अल्सर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सब लोगों की ये गलती है। दूसरा, हमारा ब्रेकफास्ट कैसा है? आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो? स्प्राउट्स ले रहे हैं। स्प्राउट, सिर्फ स्प्राउट ले रहे हो रोज? हाँ रोज। चपाती लेते। चाय डायरेक्ट लेते हो या ऐसे ही ले रहे हो? चाय के साथ रोटी ले लेते हैं कभी। चाय के साथ ना, कभी भी चाय अकेली नहीं पीते। कभी कभी बिस्किट, कभी रोटी। हाँ, ब्रेड ब्रेड भी ले लेते हैं कभी। ब्रेड भी ले लेते हैं कभी कभी। टोस्ट भी ले लेते हैं, पोहा कभी कभी, उपमा बनाते हैं, उपमा पोस्ट। हाँ, चाय के साथ ले लेते हैं। बिस्किट ले रहे हो? बिस्किट ले रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो फटाफट बन जाता है और खाने के फटाफट, या फिर दांत नहीं होते कि कौन फिर से टीथ लगाए और फिर चौकठा पहने और ये सब करे, तो फिर बिस्किट ले लेते हैं और चाय में डूबे के बिस्किट ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। बिस्किट और ब्रेड वगैरह हमको सुबह सुबह में कभी भी नहीं लेना चाहिए। सुबह सुबह में हमारा ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दी होना चाहिए। दूसरी बात, ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब बहुत बहुत ज़रूरी है। हम जो भी ब्रेकफास्ट खाएंगे उसी ब्रेकफास्ट से ही हमारा शरीर बनता है। तो अगर हम अच्छा ब्रेकफास्ट खाएंगे तो हमारा बॉडी अच्छा बनेगा, शरीर। अगर हमने गलत खाना खा लिया तो हमारे शरीर में वो गलत चीज़ आ गई और फिर हम कोई ना कोई डिजीज का शिकार बन जाएंगे और अपने आप हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कभी उकाड़ा ये सबसे नहीं आती, हम जो खाना खाते उसी से ही आती है। तो हमारा खाना हमेशा हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लंच क्या ले रहे हो आप लोग? ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए? ब्रेकफास्ट में, हाँ एक मिनट, सॉरी, ब्रेकफास्ट में हमें, हाँ आपने बोला स्प्राउट ले रहे हो, तो ये कच्चा स्प्राउट, हाँ कच्चा स्प्राउट इतना नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसी से हमारे बॉडी में वायु होता है और गैस ऐसे हो सकता है सबसे पहले। तो अगर हम स्प्राउट ले रहे हो तो उसको भी थोड़ा सा फ्राई करके लेना चाहिए। उपमा ले सकते हो, चपाती ले सकते हो, रोटी वगैरह जो भी लेते हो, आलू पराठा ले सकते हो। लेकिन रोटी से शुगर बढ़ता है ना, गेहूं की रोटी से शुगर बढ़ता है? नहीं, ये सब बातें गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी रोटी खाते हो? एक ही रोटी, एक ही रोटी, और वो भी कुछ ना कुछ आलू पराठा में आती है ना, कुछ ना कुछ, सिर्फ रोटी खाते हो? ओनली रोटी। शुगर तो वैसे भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, 4 चम्मच तक। नेचुरल शुगर कभी भी डायबिटीज किसी को भी प्रॉब्लम नहीं करती, अगर नेचुरल शुगर है तो। हाँ, हम जो शुगर खाते चाय में डालते हैं, सीरा बनाते हैं, ये सब खाते हैं, या आइसक्रीम खाते हैं, या दूध में डालते हैं, तो वो सब शुगर हमारे बॉडी को परेशान करती है और वो हमारे बॉडी में डायबिटीज का प्रॉब्लम बढ़ाती है। अगर हमें नेचुरल मतलब के रोटी के आटे में लिया, हमने एक रोटी की, कितनी शुगर आएगी? ये सब लोग हमें दूसरे मार्ग पे ले रहे हैं। आपने बचपन से अभी तक आपकी क्या खाया है? हम लोग चाय रोटी खाते हैं। हाँ, आपने बचपन से खाया है तो फिर अभी क्यों हो जाएगी ऐसी? अभी डायबिटिक है ना, इसके लिए। वो डायबिटीज होना शुगर बढ़ता है? नहीं, उसका कारण ही अलग है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं, पहले आपने बहुत सारे जो भी खाना खाया होगा अपनी छोट उम्र में, तो
वो जो हजम नहीं होता था उसी वजह से आपको डायबिटीज हुआ था, लेकिन अभी डायबिटीज हुआ इसके बाद शुगर नहीं लिया, लेकिन ये नेचुरल शुगर अगर हमने फ्रूट भी खा लिया ना तो भी कुछ परेशान नहीं करता। अच्छा आप मैदा खा रहे हो? नान, पराठा, पिज्जा, बिस्किट? मैदा मंगाते नहीं घर में, लगता नहीं है। नान पराठा या कुछ भी नहीं खाते? बिस्किट खा रहे? रागी का बिस्किट, मैरी का बिस्किट? रागी की रोटी बनाते कभी, जवार की रोटी नहीं, कभी रागी की रोटी। हाँ वो तो सही है, लेकिन रागी की रोटी पता है आपको कि वो हजम होने के लिए कितनी मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि रागी कहाँ का है, हमारा तो है ही नहीं, हमने तो पहले कभी रागी नहीं खाया था। तो रागी तो वैसे पहाड़ में जो लोग रहते हैं इसको ज्यादा कैल्शियम चाहिए, क्योंकि पहाड़ चढ़ना है तो इसीलिए रागी की रोटी, रागी उसका है हमारा नहीं है। हम तो इतनी एक्सरसाइज भी नहीं करते और फिर भी हम रागी खा रहे हैं। हम करते हैं एक्सरसाइज? हम जिम जाते हैं? नहीं जाते हैं। हमें हमारा खाना, मैंने पहले भी बोला कि हमारा खाना अपनी एज के हिसाब से, अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से अगर खाते, ये सब गेहूँ ये करते हैं वो करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ खाना खा के हम बड़े हुए हैं वो हमें कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हमारा शरीर उसी से ही बना हुआ है सबसे पहले। मतलब ऐसा नहीं है कि डायबिटीज गेहूँ खाने की वजह से आपको हुआ, ये बहुत गलत बात है। ये सब हमें भरमाने की चीजें हैं और दुनिया में अभी बहुत सारे लोग ऐसे सबको घुमाते फिरते हैं कि ये खाओ वो खाओ। वही खाना जो हम बचपन से खा के आए वही खाना हमें कभी भी परेशान नहीं करता। दूसरी बात, जो चीज भगवान ने बनाई है वो हमें कभी परेशान नहीं करती। सिर्फ हमें ये सोचना चाहिए कि वो चीज हमें कितनी खानी चाहिए, कम खानी चाहिए या कौन से टाइम पे। अगर हमने केला भी खा लिया, मेरे ख्याल से डायबिटीज से आपको केला मना कर दिया होगा डॉक्टर ने, मना किया है? केला खाना है। मेलन खा सकते, केला खा सकते, मैंगो खा सकते। हाँ तो फिर गेहूं क्यों मना कर रहे हो? कुछ नहीं करता। गेहूं में ग्लूटेन है। कोई कुछ नहीं, मैं तो मना नहीं करती, किसी को भी नहीं करती, क्योंकि केला खा सकते हैं। फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, फ्रूट में ग्लूकोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है, इसलिए फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट खा सकते हैं? तो फिर आप गेहूं कितनी खाते हैं? आप 6 चपाती खाते हैं? नहीं खाते, 3 चपाती बस। हाँ तो इसमें कितना है? 20 ग्राम आटा आएगा, 100 ग्राम आटे में से 6 से 7 रोटी बनती है, 6 से 7 भी नहीं 8 बनती है वैसे तो। कितना गेहूं आपके शरीर में आएगा? 2 रोटी खाए फिर भी, अभी आप गिन लेना कितने रोटी। और गेहूं की रोटी बिना घी से नहीं खानी चाहिए, हमें ये सोचना, कुछ भी चीजें और घी खाएंगे साथ में तो गेहूं की रोटी अपने आप हजम हो जाएगी और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। खाना चाहिए कि नहीं सुबह शाम को नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट पहले नहीं, ब्रेकफास्ट से पहले भी खा सकते हो और ब्रेकफास्ट के 1-2 घंटे के बाद खा सकते हो। कोई भी फ्रूट्स हम खा सकते हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि सीजन कौन सी है और वही फ्रूट ज्यादा खाना चाहिए कि जो फ्रूट्स लारी में मिलता है, मतलब रोड पे मिलता है। अभी क्या हो गया है, 12 महीने सभी फ्रूट मिल रहे हैं, तो सब लोग तरबूज भी ऐसे खा रहे हैं, वाटरमेलन भी ऐसे खा रहे हैं, कैरी भी मिलती है, एप्पल भी मिलते हैं, वो 12 महीने में मतलब। तो हमें ये नहीं खाना चाहिए कि जो सब, लेकिन वही चीज जो अगर आप बॉम्बे में सब लोग रह रहे हैं तो मतलब कि स्टेशन के बाहर जो चीज ज्यादा दिखाई दे आपको, समझ लेना इसी की अभी सीजन आ गई है और ईश्वर ने, नेचर ने हमारे लिए बनाई है। अभी बॉम्बे का फ्रूट हम अहमदाबाद में खाएंगे तो वो जरूर नहीं है। अभी आपके यहाँ बारिश है और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपको यही सोचना चाहिए कि अगर बारिश है तो हमें खाना कम चाहिए, क्योंकि सीजन हो या नहीं हो, लेकिन अभी एटमॉस्फेयर क्या है, बारिश का है, तो वो हजम होने के लिए प्रॉब्लम करता है। तो हमें, हम कहाँ रहते हैं वो बहुत मैटर करता है, अहमदाबाद में रहते या राजकोट रहते या बॉम्बे रहते हो या दिल्ली रहते हो, कहीं भी रहो, लेकिन हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो कैसा है और इसी हिसाब से हमारा डाइट होना चाहिए।
तो हम एक रोटी खाते हैं तो भी डायबिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि हमने बचपन से यही खाई है। जो चीज हमने बचपन से खाई है वो चीज से हमारा शरीर अपने आप तैयार हो जाता है, तो वो चीज खाने में हमें कोई भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। फ्रूट्स वगैरह भी आप ले सकते हो। अब दोपहर को लंच में क्या लेते हो? एक रोटी, सब्जी, थोड़ा चावल और दाल। फिर कौन सी रोटी लेते हो आप? गेहूं की नहीं लेते? तो कोई भी गेहूं, जवार, कोई जो बनी वो, गेहूं, जवार, नाचनी, बाजरा, कोई भी एक रोटी। तो अभी हमने बाजरा खा लिया, तो अभी बारिश है तो बाजरा चल सकता है, लेकिन अगर गर्मी है तो नहीं खाना चाहिए। हाँ, हमें यही सोचना चाहिए। सर्दी में बाजरा खाते हैं, सर्दी में ज्यादा करते हैं। हाँ, सर्दी में ज्यादा खाते हैं, वो जो हमारे दादी मम्मी जो भी हम लोग को बोल रहे थे, जैसे आप लोग, तो वही हमें खाना चाहिए कि जो पहले खा रहे थे। लेकिन अभी भी मैं बोल रही हूँ कि अपने आसपास का एटमोस्फियर हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे यहाँ तो अभी एकदम गर्मी, और मैं बाजरे का आटा खाऊंगी तो मुझे लगता है कि मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब डिजीज वजह से क्या है कि हमारी खाने पीने की गलत, हम 12 महीने सब खाते हैं, 12 सब खाते, क्योंकि रागी अच्छा है, क्योंकि बाजरा अच्छा है, क्योंकि गेहूं अच्छा है। मतलब हमें सोचना चाहिए कि आसपास का एटमॉस्फेयर कौन सा है, हमारी एक्टिविटीज कौन सी। अच्छा, ओट्स खा सकते हैं 12 महीना? ओट्स वैसे मेरे नेचुरोपैथी में मैं ओट्स किसी को नहीं देती, लेकिन अगर आपको ओट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलता है। अगर गेहूं की रोटी में या रागी की रोटी में आप ओट्स डालो तो रागी कम हो जाएगा और थोड़ा फाइबर जा रहा है। ओट्स का सिर्फ वही ज्यादा बेनिफिट है, इसमें फाइबर ज्यादा है ज्यादातर, तो इसीलिए सब लोग लेते हैं। तो हम ओट्स खाते हैं, लेकिन सुबह में तो वो भी मैं मना करती हूँ। गेहूँ के पराठा बनाते, गेहूँ का आटे के इसमें, हाँ, ओट्स मिला के पराठा बना सकते? हाँ सकते, हाँ हाँ कर सकते। लंच में भी आपने, शाम का नाश्ता कुछ लेते हो शाम को? शाम को नाश्ता करते हो 4 बजे 5 बजे 6 बजे? बिस्किट क्या है? हाँ, बिस्किट और, हाँ आ गया ना बिस्किट। 5 बजे फ्रूट लेते तो चलेगा? 5 बजे फ्रूट लेंगे तो फ्रूट 5:30 बजे कोई भी एक, हाँ एक, कोई भी एक लेते। हाँ चलता है, 6 बजे से पहले ले लेना जो भी लेते हैं। हाँ, 6 बजे, 6 बजे से पहले ले लेना। और वाटरमेलन भी सब लोग रात को लेते हैं फ्रीज में रख के खाना खाने के बाद, तो हमें वो भी नहीं लेना चाहिए, हमें सुबह में ही लेना चाहिए 11-12 बजे तक। फिर शाम का नाश्ता, रात का डिनर क्या लेते हैं आप सब? खिचड़ी, कड़ी खिचड़ी, चपाती, रोटी, चपाती, रोटी, रात को भी रोटी ले, रात को भी रोटी। अच्छा, रात को भी आप रोटी लेते हो। 3 टाइम आपने खाना खा लिया। आपने एक्सरसाइज कितनी करी? 2 बार करते हैं, सुबह में और शाम में। सुबह में करते हैं, आधा घंटा वॉक करते हो? 15 मिनट वॉक, 15 मिनट। तो फिर 3 बार करना चाहिए, 3 बार खाते हो ना? हम 3 बार खा रहे हो तो हमें 3 बार इतना करना है। जितना हम खाना खाते हजम होने के लिए भी एक्सरसाइज की जरूरत है ना हमारे बॉडी को, तो हमें एक्सरसाइज भी इसी तरह से थोड़ी बहुत, और 2 घंटे कहीं पर भी हम बैठे 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, आगे पीछे थोड़ा 2 मिनट का वॉक कर दो, या फिर 2 हर घंटे, या पानी पीने के लिए अपने आप जाओ, या फिर कोई गेट खोले, लेकिन पूरे बैठे मत रहो। अगर हम ऐसे ही थोड़े थोड़े 10-10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप अपना बॉडी रिवाइज हो जाएगा और हम हेल्दी ऐसे ही बन जाएंगे। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें हेल्दी रहना है, बराबर है, और हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। अगर हमने ये सब चीज़ें अच्छी तरह से खा ली, फ्रूट्स भी खा लिया, ये भी खा लिया, तो मेरे ख्याल से हमारी इम्यूनिटी कभी कम नहीं होगी। इसके लिए हमें कहीं से भी उकाड़ा की भी जरूरत नहीं है या कुछ भी,
अगर बहुत सारे लोग ऐसे मेथी लेते हैं, ऐसे मेरा ख्याल है, मेथी लेता हूँ रात को, विजय पानी में डुबो के एक तो मेरे सकते सुबह वो ड्रिंक उसका पानी मेथी और कवासा, कवासा बोल के है। कितने साल से ले रहे हैं? करीबन 3 साल हो गया। 3 साल हो गया आपको? इसमें कोई फर्क लगता है? ऐसा ही है, अच्छा लगता है? नहीं है, कंट्रोल में है। सब लोग ऐसे बोलते हैं मेथी खाने से डायबिटीज कम हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो किसी का हुआ डायबिटीज कम? नहीं होगा हमें इतनी ज्यादा बड़ा नहीं, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं। लेकिन पता नहीं है। हाँ बड़ा नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं कि डायबिटीज कैसे बढ़ता है। रसगुल्ला, चमचम, मिठाई रोजाना सुबह शाम अगर खाएंगे तो डायबिटीज जरूर होगा। हाँ वो तो होगा ही ना, मिठाई खाएंगे तो होगा ही ना। चलिए लेकिन अगर गुड़ की मिठाई खाओ कुछ नहीं होगा। गुड़ की मिठाई तो मिलते ही नहीं है, बनाओ घर पे। इसमें क्या है, गुड़ डाल दो, रोटी चपाटी डाल दो, गुड़ डाल दो, घी डाल दो, मिठाई हो गई, लापसी बना दो। एक क्वेश्चन करूं, रात को मेथी लेते, रात को मेथी दाना हजम हो रहा है, ये हजम का मतलब क्या है? अच्छा हजम का मतलब क्या है? डाइजेशन हमको मालूम होता है, मतलब सुबह आपका क्लियर हो गया स्टमक तो हजम हो गया क्या? नहीं, अगर आप 7 दिन तक खाना नहीं खाएंगे नहीं, फिर भी आपको सुबह में तो आपका पेट साफ होगा। कहाँ से आते हैं सब चीजें? अगर आपने तो खाना खाया ही नहीं, कल भी नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया था, तो पेट में से कैसे निकल रहा है ये सब चीजें? I think for gas it is good, मेथी। मेथी is good for gas. नहीं, कुछ नहीं कहता है, लेकिन मेथी ऐसी चीज है जो हमें 12 महीने नहीं लेना चाहिए। वो जो पित्त प्रकृति है उससे ज्यादातर एसिडिटी होती है। तो हमें मेथी भी, कोई भी चीज अगर हम लेते हैं तो 2 महीने 1 महीने बहुत हो गया, फिर बंद कर देना चाहिए। पानी से एसिडिटी कम होता है क्या? किसका पानी? साई जीरा। जीरा 2 किस्म के होते हैं ना? नहीं, साई जीरा का नहीं। अगर आपको एसिडिटी कम करना है तो धाना जीरा जो हम रूटीन अपने डाइट में लेते हैं, धनिया का पाउडर नहीं, हाँ, धनिया का पाउडर, धनिया मतलब लेने से कम होता है। कोथमीर, हाँ, आप वो 1 चम्मच धनिया का पाउडर पानी में मिला लो और चम्मच से ऐसे ही पियो, और कुछ नहीं करना, ऐसे ही पी लो 10 मिनट की, आपकी एसिडिटी गायब हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं। साहा जीरा नहीं लेना है, यही अपना है, या फिर वरियाड़ी का पानी ले सकते हो, या फिर हनी का पानी भी ले सकते हो। कोई बताया था कि जीरा का पानी पियो सुबह, तो आप बोल रहे हैं कि धनिया का पानी? नहीं, धनिया ज्यादा है अच्छा, जीरा से भी ज्यादा धनिया अच्छा है। जीरा का पानी भी अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा धनिया है कि जो हमारी एसिडिटी जल्दी से खत्म कर देता है। आप एक बार प्रयोग करके देखिए। पानी धनिया जो सौंफ आती है, बिरयानी जैसी पानी, रात भिगा के सुबह में उसको बॉईल करके पानी दे, वो अच्छा रहता है। बॉईल क्यों करेंगे, ऐसे ही पी लो ना। हमने तो रात को भिगोया हुआ है, रात को भिगा के बस सुबह के उठ के पी लो। बॉईल करने की जरूरत ही नहीं है, भिगोया हुआ है मतलब वो पूरा सा गील गया इसमें, अब क्या जरूरत है उसको उबालने की? अगर हम उबाल लिया तो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। हमें वो ही चीज खानी चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी ज्यादा से ज्यादा हमें मिले। हम बहुत सारे लोग ऐसे खाखरा वगैरह सब खाते हैं रात को डाइट में, कोई खाते है इसमें? इधर नहीं खाते, बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से गुजरात में खाखरा का बहुत 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 है, जहाँ भी जाओ ना वहाँ सब बोलते हैं खाखरा खा लिया। बस मैंने बोला खत्म कर दिया आपने आपको बॉडी को भी खाखरे के साथ।
आपको पता है हमारे शरीर में हम सब लोग हृदय की पता है हार्ट की चिंता करते सिर्फ हार्ट अटैक ना आ जाए क्लोरोस्ट्रॉल बढ़ ना जाए ये सब बढ़ ना जाए कभी किसी ने स्टमक की चिंता की है स्टमक की चिंता किसी ने की है नहीं की है जो भी खाना अच्छा लगे वो पेट भर के खाते हैं जो अच्छा नहीं लगे वो कम खाते हैं लेकिन हमारे स्टमक में भी हमें जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना ही हमें डालना चाहिए सब लोग ऐसे करते हैं किसी को ये पता है कि हम हमारे ब्लड को क्या चाहिए आयरन चाहिए पता है आपको सबको पता है बराबर है अच्छा हमारे हड्डीज को उसको क्या चाहिए कैल्शियम चाहिए मसल्स को क्या चाहिए प्रोटीन ज्यादा ठीक है स्किन को क्या चाहिए विटामिन अभी ये सब मिला के ही हमारा शरीर में B12 बनता है हम क्या करते हैं कैल्शियम ज्यादा खाते हैं प्रोटीन कम खाते हैं ये कम खाओ इससे वो मिलता है नहीं सब चीजें मिलाने जरूरी बहुत जरूरी है आयन के लिए हम कुछ खा रहे हो आप आयन के लिए कुछ खा रहे हो हमारे हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए पालक कच्ची खाते हो You'll have to unmute yourself. I saw you talking. So you just unmute yourself. Okay. Thank you. Yeah. पालक कच्ची कौन खाता है? पालक का सूप खाते हैं. पालक का स्मूदी बनाते हैं. स्मूदी बनाते हैं वो बहुत अच्छी बात है सुबह में बनाते हो ताजी ताजी खा लेते हो सुबह में बनाते पालक काकरी और ये दूधी मिला के स्मूदी बनाते हैं पानी डालते हो इसमें पानी के बगैर नहीं बनता है एकदम गाढ़ा हो जाता है एकदम गाढ़ा थोड़ा पानी डालते कच्चा डालते हो ना स्मूदी तो कच्चा बनेगा ना स्मूदी तो कच्चा बनेगा हाँ कच्चा अगर हम कच्चा खाते हो तो हमें आयन मिलता है अगर हमने बॉईल खा लिया हमारा आयन आधा हो गया और सुबह का बॉईल किया हुआ सुबह आयन के लिए तो स्प्राउट्स भी बहुत अच्छा है स्प्राउट्स में ज्यादातर विटामिन ई है बहुत सारा आयन के लिए खजूर अच्छा है काली किशमिश अच्छी है बीट अच्छा है ये सब चीजें हमें हमारे डाइट में ये सब चीजें हमें रेगुलर लेना चाहिए आज लिया फिर 15 दिन के बाद अगर हमने सोच लिया नहीं रेगुलर हमारे डाइट में ये सब चीजें आनी जरूरी है मैडम एक सवाल पूछूं हाँ आजकल मैं सुन रही हूँ ऑर्जस लाइफस्टाइल कौन सी अतुल शाह हाँ अतुल शाह करके है जो ऑर्जस लाइफस्टाइल का पूरा प्रोग्राम देता है ऑर्जस इसमें क्या करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए वो सब कुछ रहे हैं हाँ हाँ पूरा कच्चा खाना थे वो बात उसकी तो इतनी भी सही नहीं है अगर हम कच्चा पूरा कच्चा खाना कैसे डाइजेस्ट होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें पकाने में आधी पक जाती है मतलब डाइजेस्टेबल हो जाती है तो लेकिन कच्चा खाएंगे तो कैसे डाइजेस्ट होगा नहीं होगा इससे वायु होगा हम इसे अगर हमने ककड़ी भी खा ली तो भी वायु हो जाएगा कच्चा ऐसा नहीं है मैंने वही बोल रही ना जो चीज कोई भी एक बोलते है ऐसा नहीं होना है हमारे बॉडी क्या बोलता है हमें यही देखना है और मैं मेरे पेशेंट में भी वही कहती हूँ सभी डाइट एक तरीके से सबको नहीं होता है आपकी प्रकृति क्या है एक्टिविटीज क्या है आप कैसे करते हो आपकी सबसे पहले तो एज देखना चाहिए अगर आप 60 अप हो तो आप कच्चा इतना खाना नहीं खा सकते हजम ही नहीं होगा और पूरा दिन आप बोलेंगे वायु हो गया फिर आपकी हड्डी कैसे बनेगी आपके मसल्स प्रोटीन वगैरह सबकी जरूरत तो है आपके बॉडी को ना जो कच्चा खाना खाते हैं उसको तो घूमना पड़ता है 2-3 घंटे ऐसे आगे जो भी लेकिन वो भी 35-40 एज वाले तो दौड़ दम करते हैं तो अभी कच्चा खाना अगर आप आफ्टर 70 वाले कच्चा खाएंगे तो 60 वाले तो वो
आपके लिए प्रॉब्लम हो, आप कम खाओ, एक रोटी खाओ दो की जगह, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सब्जी खाओ, दूधी खाओ, जो भी आपको सब्जी अच्छी लगे। हाँ, अगर आपने पंजाबी सब्जी खा ली तो वो गलत है, क्योंकि आपके लिए हजम होने में मुश्किल होती है। तो आप क्या खाते वो सबसे बड़ी बात है, कि और सबसे बड़ी बात एज फैक्टर बहुत है। लेकिन आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपके घर में जो पहले से बनता आया हुआ है वही खाना, लेकिन अगर आपको हजम नहीं होता तो आप आधा खाओ, लेकिन वही खाना बहुत जरूरी है। फ्रूट्स वगैरह खाओ, आपने स्मूदी बोले वो भी खा सकते हो आप, तो वही चीज हमारे लिए सबसे जरूरी है। एक क्वेश्चन और है, हाँ, लोग बोलते हैं कोई भी एक सब्जी खाओ, लेकिन अगर मिक्स सब्जी बनाई, मिक्स सब्जी की सब्जी बनाई, मतलब तरकारी, तो नहीं खा सकते क्या? नहीं, खा सकते हैं ना, हाँ, सब्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, धन जो, मैं ये नहीं मना करती हूँ सबको, जो पांच धन की रोटी सब लोग खा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सभी धन पचने में, हजम होने, मतलब जो डाइजेस्ट होने में एक जैसा नहीं है। अगर हमने गेहूं खाया तो सिर्फ गेहूं खाए, बाजरा खाया तो सिर्फ बाजरा खाए, सब मिला के खाते हो, वो सब गलत है, वो सब किसी की मगज की ये सब चलती है। मीता जी, सब आजकल ज्वार की रोटी खाते हैं, गरम पानी में हल्दी डाल के रोज सुबह पीते हैं। हल्दी भी मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी भी बहुत गरम है, और ज्वार की रोटी के, चलो सब छोड़ो, सिर्फ ज्वार की रोटी खाओ, दैट इज, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में थोड़ा हल्का है और कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो कभी किसी को, मैंने आज तक नहीं खाई, और मैं कभी किसी को नहीं, आप क्या खाना खाते, चार रोटी खाते हो तो दो खाओ, लेकिन आप जो खाना खा के बड़े हुए वही खाना, और कुछ नहीं, सब खाओ लिमिट में, खाओ अच्छे से खाओ, चपाती भी खाओ लिमिट में, चपाती, और घी, बिना घी से कुछ भी मत खाना, जो भी खाना खाते हो घी। और एक एक और बात भी है, वो सब लोग रात को पेट सफा या सब फाकी वगैरह सब लेते हैं, पेट सफा की, तो वो सबसे गलत बात है, रोज लेनी थी, हर त्रिफड़ा ही लेते हैं ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, तो वो रोज कभी भी नहीं लेना चाहिए पेट साफ होने के लिए, अपने वो भी नहीं लेना चाहिए। एक महीना लिया या 15 दिन लिया, छोड़ दो, 2-3 दिन बाद में 15 दिन, लेकिन अगर हमने पूरा लाइफ टाइम वही रखा, मेथी खाया, हल्दी खाया, तो ये सब चीजें हमारे शरीर की आदत बन जाएगी, और इसके बिना हमारा शरीर फिर काम नहीं करता है। तो हम जो नेचर हमें देते हैं, तो हम लोग क्या करते हो, जैसे कि ये सब खाना खा लिया, तो हमारे खाने में ही ऐसा हमें सोचना चाहिए कि भाई हमें रात का खाना, हमें अगर सुबह का खाना ज्यादा हो गया है तो रात का खाना छोड़ दो, या फिर हमें लगता है कि हमारे पेट में जगह ही नहीं है तो छोड़ दो खाना, क्यों खाते हो, खाना खाने से शक्ति आती है ऐसी नहीं है। तो ये जो सब लोग बाहर, तो पता नहीं क्या ने क्या चलता है, मुझे तो हमेशा प्रॉब्लम होती है कि भाई जो खाना खा के हम इतने सालों से बड़े हुए हैं, अभी क्यों डायबिटीज हो गया, हमने पहले बहुत आइसक्रीम खाया होगा, या फिर पहले बहुत सारी चीजें खाई होगी, पेट भर के खाया हुआ है, जेनेटिक भी हो सकता है ना, हाँ, थोड़ा सा जेनेटिक है, थोड़ा सा जेनेटिक है, लेकिन वो भी नेचुरोपैथी ऐसा बोल रहे हैं कि कभी डिजीज जेनेटिक नहीं है, आदतें जेनेटिक है, जो हमारे पापा ने खाया, हमारी मम्मी ने बनाया, वही हमने खाया, हमारी मम्मी ने बनाया, तो उसका इसी कारण यही होता है। अगर हमें नी, हाँ, जॉइंट पेन होता है, अभी आप लोगों की उम्र में जॉइंट पेन भी ज्यादा होगा शायद, है किसी को इसमें जॉइंट पेन है ना, जॉइंट पेन है, अच्छा, हल्दी, हल्दी पानी, हल्दी पी लेते हैं, पानी में हल्दी मिला के सुबह में, अगर हमको बहुत सर्दी जुकाम है तभी हम हल्दी ले लें, अगर सर्दी जुकाम खत्म हो जाए बाद में छोड़ दे। दूध में, दूध में मिला के पी सकते हैं हल्दी, किस में मिला के, दूध, मिल्क में, मिल्क में, वो भी एक महीना ही ले लो, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ऑल राइट, बहुत बढ़िया मीता जी, काफी यू नो आई थिंक सबके मन में जो था काफी आपने बता दिया हम सबको, एंड आई थिंक हम लोग ये सुनते हैं, लेकिन एक जो प्रोफेशनल होते हैं उनके मुंह से जब सुनते हैं तब तसल्ली होती है कि हाँ हम सही या गलत कर रहे हैं।
वेरी गुड, वेरी नाइस. आई थिंक बहुत अच्छा रहा, हम सबको काफी यू नो जानकारी मिली. टाइम की कमी है मीता जी ने, तो ये तो हम यू नो कंटिन्यू रखते आज हमारे सेशन में. एक दूसरे गेस्ट है इसलिए हम एंड करें. गेस्ट नहीं होता हमारा सेशन होता अगर, तो आई वुड लेट यू कंटिन्यू. लेकिन वी वुड लव टू हैव यू अगेन. और कभी भी वापस हम आपको बुलाना चाहेंगे. बहुत बहुत आपका शुक्रिया. एंड यस, थैंक यू सो मच. आई थिंक सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा. काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सवाल बहुत माइंड में होंगे. लेकिन डेफिनेटली हम नीता जी को वापस बुलाएंगे हमारे शो पे और डाउट्स क्लियर करेंगे. मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग ने इन्वॉल्व, आप लोग सब ने मेरे साथ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर किया. मुझे अच्छा लगा, मेरा भी डर चला गया आप लोगों के साथ बात करते हुए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कुछ भी. आप लोगों को अच्छा लगा सबको? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.